नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टेक टिप नाउ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरे की। सी प्रोग्रामिंग में एरे का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके पहले हमने लूप, इफ, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट या इटरेशन कंस्ट्रक्ट या बेसिक्स ऑफ सी सारी चीज़ें देख ली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, एरे के बारे में। तो शुरू करते हैं। सी, एरे इज़ बेसिकली वॉट इट इज़ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। बट एरे को समझाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में। सी, वॉट इज़ वेरिएबल एक्चुअली। जब हम बात करते हैं वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ वॉट अ डिफाइंड मेमोरी लोकेशन। जब आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या करता है ये, मेमोरी में एक स्पेस इसके नाम से रिजर्व हो जाता है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। से फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया इंट एक्स, एक्स में कितना डाल दिया है, टू। अब अगली बार अगर एक्स में मैं फोर डालता हूँ तो क्या एक्स में क्या रहेगा, टू रहेगा क्या? अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैंने उसमें फोर डाल दिया तो यू विल सी यहाँ पे कोई भी रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ फोर आएगा। जो प्रीवियस वैल्यू है वो वेरिएबल की क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ कि आई वॉन्ट टू फाइंड एडिशन ऑफ वॉट, 10 नंबर्स। मुझे 10 नंबर का क्या करना है, एडिशन करना है। तो 10 नंबर का एडिशन करना है, या तो 10 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लो, और अगर 100 नंबर का एडिशन करना है तो 100 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो आई थिंक वे आर टेकिंग 100 वेरिएबल्स इज़ क्वाइट कम्बरसम, क्वाइट डिफिकल्ट यू कैन से, और मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर लूप के थ्रू मैं एडिशन ऑफ 10 नंबर का प्रोग्राम रेडी करता हूँ, सो आई विल टेक 2 वेरिएबल्स, वन इज़ एक्स, सेकेंड इज़ आर विल बी फॉर एडिशन, या जो टोटल आएगा उसके लिए, और एक्स में हम इनपुट करेंगे। अब इसका फंडामेंटल ये है कि आर एक्स में जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसको हम क्या करेंगे, आर के साथ उसको कंटिन्यूसली क्या कर देंगे, आर प्लस एक्स कर देंगे, और वापस जो भी टोटल आएगा उसको आर में डालते जाएंगे। और ये प्रोसेस हमको कितनी बार करना है, 10 टाइम्स करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा टोटल, हमको ग्रैंड टोटल जो है 10 नंबर्स का, वो हमको रिसीव हो जाएगा। सो एक बार मैं इसको बना के दिखाता हूँ, फिर एरे पे आते हैं हम लोग। आई एम डायरेक्टली टेकिंग मेन, मैं मेन फंक्शन ले रहा हूँ, हेडर फाइल इज अंडरस्टूड। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया एक्स और एक ले लिया आर। आर को मैं इनिशलाइज कर देता हूँ कितने से, 0 से, सो दैट इसमें कोई भी जंक वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी, ताकि फर्स्ट टाइम जब ये एडिशन हो तो 0 से करें। अगर मैं सिर्फ आर लेकर ऐड कर देता हूँ तो उसकी जो जंक वैल्यू है या जो भी गार्बेज होगा उसके आर में, वो कहीं आपके फर्स्ट टाइम आर एक्स की वैल्यू से ऐड मत हो जाए, तो एरोनियस रिजल्ट आ सकता है। सो मैंने इसको इनिशलाइज कर दिया कितना से, 0 से। अब मैंने बोला मैसेज दे दो भाई प्रिंट एफ, व्हाट एंटर कितना नंबर्स, 10 नंबर्स, ठीक है। अब 10 नंबर कहाँ डालने हैं, मैंने एक्स में डालने हैं, तो 10 टाइम्स मुझे एक्स में क्या करना है, इनपुट करना है। सो आई कैन रन अ लूप। सो मैंने एक फॉर लूप लगाया, मैंने बोला एक काउंटर लिया आई, 0 से स्टार्ट किया, लेस देन हाउ मच, 10, एंड व्हाट आई प्लस प्लस। मैंने अंदर जाके बोला स्कैन एफ कर दो किस में, परसेंट डी एंड एक्स, मतलब एक्स में वैल्यू आ गई। जैसे ही कोई वैल्यू एक्स में आएगी तो मैंने बोला उसको इमीडिएटली मैं आर की प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड करके वापस आर में नया स्टोर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन कर दिया कि जो भी वैल्यू एक्स में आ रही है उसको इमीडिएटली आर के साथ ऐड करो और आर को अपडेट कर दो। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा, 10 टाइम। फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू ऐड होगी, सेकेंड टाइम ऐड होगी, थर्ड टाइम, फोर, एंड सो ऑन। इस तरह से टोटल ऑफ 10 नंबर हमारा जो है एडिशन जो है उसका हमको मिल जाएगा। सो बाहर आके मैं लिख सकता हूँ प्रिंट एफ टोटल इक्वल टू परसेंट डी देन व्हाट आर। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, आपको आउटपुट आ जाएगा एडिशन ऑफ 10 नंबर का। अब ये प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन मैं इस एग्जांपल को देने का मतलब ये है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एरे का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि जब आप एक्स को ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम ये एक्स है मेरा, ये आर है, ठीक है। आर को इनिशलाइज कर दिया मैंने कितना से, 0 से। जब ये फर्स्ट टाइम लूप चला, एक्स में मैंने डाला 2, तो आर प्लस 2 कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, आर की वैल्यू हो गई 2। अगली बार जब मैं एक्स में डालूंगा 3, तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगा, डिलीट हो गया, 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 ये क्या हो गया, 5। नेक्स्ट टाइम मैंने डाला 4, तो ये 4 हो गया, 3 डिलीट हो गया। अब यहाँ पे 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से ये लूप चलेगा। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो एक्स है ये टेम्प्ररी एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है, देन ऐड कर दे रहा है आर में, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल जो हमारा टारगेट है वो तो अचीव हो रहा है, मीन्स हमें टोटल तो मिल गया, बट जो एक्स है, इस एक्स को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ
चाहे तो आप लूप लेके 10 बार प्रिंट करो, चाहे एक बार प्रिंट करो, अगर मैं परसेंट ही यहाँ पे क्या कर दूँ, एक्स कर दूँ, तो ये क्या दिखाएगा? तो इट विल शो द लास्ट वैल्यू यू हैव एंटर्ड, ठीक है? तो इसके पहले की जो प्रीवियस 9 वैल्यूज़ हैं उनका तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो प्रीवियस 9 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं बोलूँ कि वो कहाँ हैं, वेयर आर दे इट, सो ये क्या होगा? तो इसका तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इस प्रोग्राम में। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, काम तो हो रहा है, टारगेट हो जा रहा है, लेकिन हम जो स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे हम फेल हो जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो इसका सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ व्हाट एरे, तब हम क्या यूज़ करते हैं आपका एरे। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए दोस्तों, इसी प्रोग्राम को एरे से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि एरे क्या है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, एरे की। तो व्हाट इज़ एरे नाउ, तो फटाफट मैं इसको थोड़ा सा लिख दूँ, व्हाट इज़ एरे। तो एरे इज व्हाट, इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट को ही हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। इट इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेम, सेम साइज एंड व्हाट सेम टाइप ऑफ डेटा। तो एरे इज व्हाट, इट इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेम साइज एंड डेटा। अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। अब मैं सीधे आ जाता हूं, आप ये बोल सकते हो कि एरे जो होता है दैट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ व्हाट, ऑफ वेरिएबल, ठीक है? तो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मैनेजिंग व्हाट यू कैन से लार्ज एंड कम्प्लेक्स डाटा। आपके प्रोग्राम में जब लार्ज अमाउंट में आपको डेटा को मैनेज करना है, तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, एरे को यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएबल का जो वृहद रूप होता है वो एरे होता है। और एरे की जो डेफिनेशन मैंने लिखी, इट इज़ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम नेम साइज एंड डेटा। ये क्यों है, ये मैं आपको पहले इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं उसको मैं बता दूं, फिर मैं इसको वापस आता हूं। तो से फॉर एग्जांपल, जब हम इसके डिक्लेरेशन की बात करते हैं, किसके डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे को जब भी आपको डिक्लेयर करना है, सो व्हाट इज़ द वे, एज सिंपल लाइक वेरिएबल, आप क्या करते हो, सबसे पहले यू टेक व्हाट डेटा टाइप, देन स्पेस देके आप क्या देते हैं, एरे का नाम। अब एरे का जो भी नाम आप देंगे, जस्ट लाइक वेरिएबल, उसके बाद इसका एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर इसका एक साइज हम मेंशन करते हैं जो इसकी मैक्सिमम साइज को शो करता है, उसके बाद में हम सेमी कोलन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया कैर, एरे का नाम दिया एक्स, और इसकी साइज दे दी मैंने 10। यहाँ पे जो एक्स 10 लिया मैंने, ये बता रहा है कि ये एक्स नाम का एक एरे है जो कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है अपने पास, 10 कैरेक्टर्स को, मतलब एट ए टाइम इस पर्टिकुलर एरे में आप यू कैन होल्ड और यू कैन स्टोर 10 मैक्सिमम कैरेक्टर्स, राइट? आगे चल के इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर दूंगा, बस जस्ट फिलहाल के लिए। सिमिलरली यू कैन टेक इंट ए 20, यहाँ पे वेरिएबल ए क्या हो गया, एक एरे हो गया जो कि इस टाइप का इंटीजर टाइप का, और मैक्सिमम क्या कर सकता है, ये 20 नंबर्स को होल्ड कर सकता है। दोस्तों, एरे को अब समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसका मेमोरी एलोकेशन। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ मेमोरी में इसको कैसे एलोकेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूँ क्या मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे, तब हम इसकी डेफिनेशन को समझ पाएंगे, एग्जैक्टली एरे क्या होता समझ पाएंगे। से फॉर एग्जांपल, आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है, सपोज ये आपके कंप्यूटर की क्या है, मेमोरी, ओके? ये जो मेमोरी होती है ये डिवाइड होती है इस तरह से, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइडेड होती है। किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, 2 मिनट चाहिए मुझे। ये मैंने इस तरह से इसमें क्या किया, एक टेबल जैसा कुछ बना दिया।
तो कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है ना, वो प्लेन नहीं होती, ये डिवाइड होती है छोटे छोटे सेल्स में। ये जो सिंगल सेल दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं इनको हम बोलते हैं सेल्स। और इस सेल्स की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, दैट इज़ ऑलवेज 1 byte। कितनी कैपेसिटी होती है इसकी? कितनी? 1 byte की। सो इन जनरल हम इसको बाइट भी बोलते हैं। अब होता क्या है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो इस जो अब ये जो बाइट्स होते हैं या जो सेल्स होती हैं, जितने भी सेल्स होती हैं इस तरह से, हर एक सेल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? उसके एक एड्रेस से। ये जो एड्रेसिंग होती है वो हेक्साडेसिमल कोड में होती है। किस में होती है? हेक्साडेसिमल में। मतलब आप जब कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, कुछ भी स्टोर करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एड्रेस गेन करती है, कहाँ पे? मेमोरी में। और उस एड्रेस से सिस्टम उस पर्टिकुलर फाइल को या आपके डेटा को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। और हर एक सेल का जो है एक यूनिक एड्रेस होता है, और इट बिगिंस फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड, जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वहाँ तक। अब हेक्साडेसिमल कोड में क्या, 01F, 01AA, लाइक दिस, AF, इस तरह से। हेक्साडेसिमल में लेने का इस रीज़न ये है कि जो एड्रेसिंग सिस्टम है उसको बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा का यूनिक नंबर्स चाहिए। तो हेक्साडेसिमल कोड में बिकॉज 16 डिजिट्स होती हैं डिफरेंट, तो उनको कंबाइन करके इसको एड्रेसिंग करने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। अब मैं आ जाता हूँ अपने मेन पॉइंट में कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, से फॉर एग्जांपल आपने लिया है इंट एक्स, यू नो वेरी वेल डेटा टाइप इंट जो है इसकी कैपेसिटी होती है 2 bytes की। जब आप डेटा टाइप पढ़ते हैं तो उसमें उसकी कैपेसिटी का भी बारे में बताते हैं। अब ये जो एक्स है इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 2 byte की। तो जब इसको जब आप डिक्लेयर करते हो तो सिस्टम क्या करता है, 2 byte का कोई भी जो ब्लैंक स्पेस होता है वो इसको एक साथ एलोकेट कर देगा। तो से फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैंने ले लिया, ये जो 2 byte का स्पेस है ये किसके नाम से रिजर्व हो जाता है? एक्स के नाम से। और इसकी जो फर्स्ट सेल या फर्स्ट बाइट होती है उसका जो हेक्साडेसिमल एड्रेस है, जैसे 1AF से फॉर एग्जांपल, ये सिस्टम के लिए हो जाता है। तो जब भी आप एक्स को ट्रीट करते हो अपने प्रोग्राम में, तो सिस्टम जो उसका कोरिस्पॉन्डिंग कोड में एड्रेस होता है उसको लेके उसको ऑपरेट करता है। तो आप जो भी वैल्यू डालते हो वो जाके कहाँ स्टोर होती है? इस पर्टिकुलर एड्रेस में। ये कितना है? 2 byte का। अब मैं ले रहा हूँ क्या, एक एरे। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कैर ए, ठीक है। इसकी साइज मैंने दे दी कितनी? 5। अब कैर जो होता है दिस इज ऑलवेज ऑफ 1 byte। अब कैर इज वॉट ऑफ 1 byte और इसकी साइज दी मैंने 5, तो 5 into 1 = 5 byte। सो सिस्टम क्या करेगा, इसको 5 byte का कंटिन्यूस स्पेस जो ब्लैंक होगा वो एलोकेट कर देगा किसको? ए के नाम से। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ये जो पोजीशन 5 bytes के हैं इनको ये रिजर्व कर देगा किसके नाम से? ए के नाम से। अब ये इंडिविजुअल स्पेसेस जो हैं इनका तो अपना सेपरेट एड्रेस है ही है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट ए का जो रेफरेंस एड्रेस होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो भी एड्रेस होगा, जैसे मान लो मैं इसको ले लेता हूँ 2000, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, ये बन गया मेरा 5 different bytes। ओके, फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ एंड फिफ्थ बाइट। ये पूरा तो आपके किस नाम से रिजर्व हो गया? ये रिजर्व हो गया किस नाम से? ए से। इसका एड्रेस सपोज क्या है? 2000 200, या मान लो इसका हो गया 201, ये हो गया 202, ये हो गया 203, ये हो गया 204। मतलब ये जितने भी सेपरेट बाइट्स हैं, अलग अलग जितनी भी बाइट्स आप देख रहे हैं, ऑल हैव डिफरेंट और यूनिक एड्रेसेस। तो उनकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन किससे हो रही है? 200 201 201, ऐसे हो रही है। ये तो सिस्टम के लिए हो गया। और इनका कॉमन नेम जो आ रहा है आपके लिए, दैट इज़ ए। और बाय डिफॉल्ट केवल ए को अगर आप रेफरेंस मिलोगे तो वो अपने फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, दैट विल बी ऑलवेज 200। अब होता क्या है कि जब आप अपने प्रोग्राम को रेडी करते हो, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, तो सिस्टम के एड्रेस को तो आप याद नहीं रख सकते। तो सिस्टम क्या करता है, इसको आपके लिए प्रोग्राम जो आपका रेडी होता है सी में, उसमें क्या होता है, ये हर एक जो स्पेसेस इसमें दिख रहे हैं ये तो सिस्टम के एड्रेस हैं, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए हर एक पोजीशन के क्या होती है, इसके साथ एक इंडेक्सिंग कर दी जाती है। तो नाम तो सबका क्या है? ए है। सबका पोजीशन का नाम तो कॉमन है ए, लेकिन इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिस्टम क्या करता है, इनको एक इंडेक्स नंबर एलोकेट कर देता है, जो स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, देन ये मैं जैसे पहले लिख दूँ इसको 1 2 3 एंड व्हाट इट इज़ 4।
तो अब क्या हो गया, ये फर्स्ट जो इंडेक्सिंग हो रही है ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, देन वन, देन टू, देन थ्री एंड फोर अप टू मैक्सिमम साइज। अब क्या होता है कि कॉमन नेम तो सबका ए है, ये फाइव डिफरेंट एलिमेंट्स बाइट्स हैं, फाइव डिफरेंट सेल्स हैं जो फाइव डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए इनकी इंडेक्सिंग हो जाती है। ये हो जाता है ए जीरो, देन ए वन, देन ए टू, देन ए थ्री, देन ए फोर। तो ये क्या हो गया, हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब जैसे ये कैर ए फाइव है, मैं पहले इसमें एक नाम डाल देता हूँ, मैंने इसमें डाल दिया रामू, सिर्फ फोर बाइट ही डाल दिया सपोज, तो आर ए एम यू केवल ए को अगर कंसीडर करूँगा तो पूरा दिखा देगा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ आर को ही ऑपरेट करना है इनकेस सपोज, तो मैं खाली ए से तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, ए जीरो को यूज़ करूँगा तो वो सिर्फ क्या ले लेगा, आर को ले लेगा, अगर मैं ए टू को यूज़ करूँगा तो वो एम को दिखाएगा, ए थ्री यूज़ करूँगा तो यू को दिखा देगा। सो दिस मीन्स दैट कि ये जो ए वन, ए टू, ए थ्री या ए जीरो या ए फोर हैं, दे आर बिहेविंग लाइक ए वेरिएबल, ऑल दो दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स बट दे आर बिहेविंग वॉट लाइक अ वेरिएबल। सो अब जो मैंने यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन दी थी एरे की, उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने लिखा था क्या, एरे इज वॉट, इट इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, सो यू कैन सी हियर दीज आर वॉट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज वॉट, वेरिएबल। सो इट इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम नेम, सेम साइज, साइज इज वॉट कैरेक्टर वन बाइट एंड द सेम डेटा टाइप, एक्चुअली इट शुड बी डेटा टाइप, और डेटा भी आप बोल सकते हो, तो डेटा टाइप क्या है, सबका कैरेक्टर है, साइज भी सेम हो गया, नाम भी सेम हो गया, और एरे जो होता है वो, अब एक चीज़ पिक्चर क्लियर हो गई कि एरे इज बेसिकली यूज फॉर स्टोरिंग सेम टाइप ऑफ डेटा, एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है। मतलब अगर आपको इसमें नंबर स्टोर करने हैं तो नंबर ही लेंगे, अगर आप बोलोगे नंबर भी चाहिए कैरेक्टर भी चाहिए तो एरे से नहीं हो सकता, फिर वहाँ पे स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी तो एरे की बात चल रही है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वाई एरे इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेम, सेम साइज एंड डेटा टाइप्स। तो इन जनरल यू कैन से एरे इज वॉट, इट इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम नेम, सेम साइज एंड डेटा टाइप, मीन्स कई वेरिएबल्स को बना के आप क्या कर सकते हैं, जो कई वेरिएबल मिलकर काम करते हैं वो काम आप एरे से भी करवा सकते हो। अगर आप 10 नंबर स्टोर करना है तो 10 वेरिएबल ले सकते हो और एक एरे ले सकते हो मैक्सिमम 10 कैपेसिटी का। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जब आप कोई वेरिएबल लेते हो 10 अलग अलग, तो उनको क्या होता है, इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेट होगी रैंडमली, और एरे के केस में क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेसेस मिलते हैं। सो जो प्रोग्राम की स्पीड होती है ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को ऑपरेट करना, मैनेज करने में आसानी होती है आपके प्रोग्राम के द्वारा सिस्टम को, ठीक है। सो एरे क्या होता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आपको मैनेज करना है तो ऑलवेज इट्स बेटर टू टेक व्हाट एरे। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था ये जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने बात की, सबसे पहले तो ए जो हुआ यहाँ पे, जो मैंने डिक्लेयर किया, इज कॉल्ड व्हाट, नेम ऑफ एरे, सो दैट इज व्हाट, एरे नेम। ये जो फाइव जो मैंने डाला ना यहाँ पे, इसकी साइज जो दी है फाइव, इन जनरल तो इसको साइज ही बोलते हो आप, बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड व्हाट, एरे बाउंड। एरे बाउंड मतलब हो गया मैक्सिमम कैपेसिटी को ये क्या कर रहा है, आपका डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट यू सी हियर, जो ए जीरो है, ए वन है, ऑल दीज आर कॉल्ड एरे एलिमेंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, एरे एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एरे एलिमेंट्स। नाउ एरे एलिमेंट इज व्हाट, आर इंडिविजुअल वेरिएबल्स, यू कैन से, विच कैन होल्ड इंडिविजुअल डेटा, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ जो जीरो लिखा हुआ है और वन लिखा हुआ है, ये जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री एंड फोर, ऑल दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एरे इंडेक्स, दे आर कॉल्ड व्हाट, एरे इंडेक्स। दिस इज एरे एलिमेंट, दिस इज एरे बाउंड, राइट, एंड दिस इज नेम ऑफ एरे। सो एरे इंडेक्स आइडेंटिफाइज ऑल एरे एलिमेंट्स यूनिकली, ओके। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि एरे क्या है। तो एरे इज व्हाट, इट इज नथिंग, इट इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेम, सेम साइज एंड डेटा टाइप, विच कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आपको ज्यादा अमाउंट में डेटा मैनेज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एरे को यूज कर सकते हैं, राइट।
तो ये हो गई बात किसकी, आपके एरे की। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि भाई एरे क्या है, कैसे ये मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है और किस तरह से इसकी जो चीज़ें होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। तो अब जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको अब आ जाता हूँ एग्जाम्पल पे, वर्किंग विथ एरे। तो चलिए अब देखते हैं हम कुछ एक दो एग्जाम्पल, फिर आगे समझते हैं कि कैसे एरेज में मल्टीपल वैल्यू स्टोरी, जो पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वर्किंग विथ एरे, क्या एरे के साथ काम करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ले लेता हूँ आपका इंटीजर्स, मतलब पहले हम क्या करेंगे इंटीजर एरे को लेके अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपने एक एरे लिया इंट एक्स 5, इट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ कितना नंबर्स, 5 नंबर्स। रिमेंबर ऑलवेज, जब आप इंट एक्स 5 करोगे तो मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपका, कितने स्पेस एलोकेट करेगा सिस्टम इसको, जब आप एक्स 5 करोगे तो ये ले लेगा 5 डिफरेंट स्पेसेस। तो जैसे ये 5 स्पेसेस आ गई, 0, 1, 2, 3 and 4। तो दिस इज़ योर एक्स, एक्स 0, एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, एक्स 4। तो मैं केवल इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0, 1, 2, 3 and 4। तो यू कैन मैनेज मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स, आप कम भी ले सकते हो। तो 5 अलग अलग नंबर्स आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको? तो अब हम देखते हैं कि इसमें इनपुट कैसे करें और आउटपुट कैसे करें, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है इसमें, इनपुट एंड आउटपुट, किस में, इंटीजर एरे में। सो इसके लिए पहले तो भाई आप क्या ले लो, हेडर ले लो, फाइल आपने ले ली stdio.h। अब मैंने ले लिया void main। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अंदर, सबसे पहले तो एक एरे डिक्लेयर किया मैंने, int x लिया देन 5 डिक्लेयर कर दिया, ओके। अब ये तो ये स्पेस हो गया इसका डिक्लेरेशन, मतलब मैक्सिमम 5 नंबर को ये होल्ड कर सकता है। अब इसमें हमको क्या करना है, इनपुट करना है और आउटपुट करना है। मैंने भाई सबसे पहले एक मैसेज फ्लैश किया, प्रिंट एफ एंटर हाउ मेनी नंबर्स, एंटर 5 नंबर्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्कैन एफ एक्स 5, क्या लिख देता हूँ, परसेंट डी एंड एक्स। मान लो अगर मैं ये लिख दूं तो होगा क्या कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो केवल एक ही नंबर एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। रीज़न इज व्हाट कि जब आप कोई नंबर इनपुट करते हो, आप अगर कीबोर्ड से इनपुट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको लगेगा कि मैंने 5 अलग अलग नंबर डाले, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसा लगे, से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सिस्टम तो नहीं समझेगा, वो तो सोचेगा 12,345 है। अब अगर मान लो आप ये ऐसे करते हो, 1 enter 2 enter 3 enter 4 enter then 5 enter, ऐसे 5 बार आप करते हो तो भी ये क्या करेगा, स्कैनएफ क्या करेगा, एक ही बार लेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको 5 डिफरेंट नंबर्स स्टोर करने हैं, दैट मीन्स यू हैव टू सेपरेट देम विथ आइदर एंटर और स्पेस, ठीक है। तो अगर आपने डाला 12 और 34 अलग रखना है, तो 12 के बाद स्पेस देके 34 करोगे या 12 एंटर मार के 34 करोगे? और अगर आप एंटर या स्पेस दोगे तो स्कैनर तो केवल एक ही नंबर को कैप्चर करेगा, या तो 12 को, फर्स्ट वाले को ही करेगा ऑब्वियसली, तो वो सेकंड नंबर को कैप्चर नहीं कर पाएगा। सो कहने का मतलब ये कि 5 डिफरेंट नंबर्स या 10 डिफरेंट नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपको, नंबर इंटीजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर इतने जितने भी डिफरेंट नंबर्स को आपको मैनेज करना है, स्टोर करेंगे आप या स्टोर करवाना है आपको, तो उतने टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर को लेना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम में मुझे 5 डिफरेंट नंबर्स होल्ड करने हैं, सो आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस स्कैनर 5 टाइम्स, बिकॉज नंबर्स जो होते हैं वो रेंज में होते हैं, और रेंज में होते हैं मतलब मैक्सिमम 65,000 तक की रेंज तकरीबन एक बाइट में मैंने बताया था, 2 का पावर 15 आई थिंक, हाँ ना, वही होता है। तो रेंजेस में होते हैं, तो जब आप एक भी कोई भी वैल्यू यहाँ डालेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, अपने आप शिफ्ट भी नहीं होगी। तो आपको क्या है, स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है
वो फर्स्ट पोजीशन में जाएगा, सेकंड वाला सेकंड पोजीशन में जाएगा, कहाँ, एक्स एरे में, फिर थर्ड वाला थर्ड एलिमेंट में जाएगा, एंड सो ऑन. सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज स्कैन एफ मल्टीपल टाइम्स और रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स. सो मैं क्या करूँगा कि अब पांच बार या तो स्कैन एफ लिखूँ यहाँ पे, और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लूप को यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट हो रही है वो जीरो से हो रही है. तो पहला स्टोर जो होगा डाटा वो एक्स जीरो में होगा, दूसरा एक्स वन में, तीसरा एक्स टू में, तीसरा के बाद जो नेक्स्ट फोर्थ आएगा वो एक्स फोर में, देन एक्स थ्री में, और देन लास्ट वाला एक्स फोर में. सो यहाँ पे देखिए नाम तो सबका सेम है बट इंडेक्सिंग अलग अलग हो रही है, और मैं लूप स्टार्ट करता हूँ जीरो से फाइव तक, तो मेरा काम हो सकता है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्कैनएफ को यहाँ से हटा देता हूँ. मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगा एक फॉर लूप. मैंने बोला इंट, इंडेक्स किया जीरो से स्टार्ट, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो काउंटर भी जीरो से, और उसके बाद में मैंने बोला आई इज़ लेस देन हाउ मच फाइव एंड वॉट आई प्लस प्लस. अब इसके बाद में आप यहाँ पे गए, और जाने के बाद में आपने बोला कि भाई स्कैन एफ करो. अब आपको पता ही है कि फॉर लूप रिपीट करेगा इसको फाइव टाइम्स. अब मैंने बोला कि भाई जो भी है एक नंबर डालना है, सो दैट आई एम टेकिंग दिस परसेंट ई एट द एड्रेस ऑफ व्हाट नेम ऑफ एरे इज एक्स. लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी, पहले जीरो होनी चाहिए फिर वन एंड टू एंड सो ऑन, तो आई की वैल्यू चेंज हो रही है लगातार, तो आई कैन कीप दिस आई हियर. तो ये मैंने आई को डाल दिया, सेमी कॉलन से एंड किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. तो ये मेरा हो गया स्टेटमेंट किसके लिए, इनपुट के लिए. तो अब जब ये प्रोग्राम रन होगा व्हेन आई इज जीरो, तो डाटा जो हो जाएगा जो भी आप नंबर डालोगे एक्स जीरो में, अगली बार जब रन होगा तो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स फोर. सो दिस इज हाउ वी कैन स्टोर डिफरेंट नंबर्स इन एन एरे. तो ये हो गया बात किसका, इनपुट का. तो इंटीजर्स में, इंटीजर टाइप ऑफ एरे जब भी आप लोगे, सो दैट मीन्स उसमें इनपुट या आउटपुट के केस में उसकी सारी वैल्यूज के लिए वी हैव टू यूज लूप. तो वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्यों. अब ये जो नंबर्स इसमें आ गए, इनको वापस रिटर्न आपको कंसोल में दिखाना है, आउटपुट स्क्रीन में दिखाना है. सो अगेन मैं पहले यहाँ पे मैसेज दे दूंगा, प्रिंट एफ द बैक स्लैश एन द नंबर्स आर, अगेन बैक स्लैश एन. ओके, सो अगेन आई विल यूज लूप. ऑब्वियसली अब सबको नंबर्स को भी अगर अलग अलग मुझे दिखाना है तो पहले एक्स जीरो का, फिर एक्स वन का, एक्स टू का. अगर केवल प्रिंट एफ एक्स कर दूंगा तो वो एक सेपरेट नंबर्स को नहीं दिखा पाएगा. सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब चाहो तो आप अलग से एक काउंटर ले लो, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं. मैं वापस आई को, मेरा आई का काम यहाँ ख़त्म. फिर से जीरो लेके लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस किया मैंने, सॉरी थोड़ा इसको दिखा दूँ मैं आपको. तो आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, आई इज़ लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस किया डिस्प्ले के लिए, और यहाँ पे बाहर आके मैंने कर दिया प्रिंट एफ. आप चाहे तो बैक स्लैश एन डालिए नेक्स्ट लाइन में दिखाना है तो, या फिर साथ में लिख सकते हैं स्पेस के साथ में, या बैक स्लैश टी को यूज़ करके भी आप वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं. तो बैक स्लैश एन परसेंट डी, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे कर दिया किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, अगेन एक्स आई, एंड देन क्लोज दिस ब्रैकेट एंड फाइनली क्लोज दिस नेम. सो फ्रेंड्स यू कैन सी दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क विद इंटीजर वेरिएबल्स. तो जब भी इंटीजर वेरिएबल्स में इनपुट कर रहे हैं या आउटपुट कर रहे हैं, मीन्स यू नीड टू रन ए लूप फॉर इंडिविजुअल यू कैन से लोकेशंस, कि अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए, अलग अलग टाइप बोल रहा हूँ सॉरी, अलग अलग पोजीशंस में डाटा को स्टोर करना है आपको एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स फोर में. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अलग अलग पोजिशन के लिए इनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो ये तो बात हो गई मेरी किसके, इनपुट एंड आउटपुट की. तो अब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो, अब मैं आ जाता हूँ अपने जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया था एरे को, जब मैं समझाने जा रहा था कि जब भी आप एरे को यूज़ करते हैं तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया कि नॉर्मल प्रोग्राम आप बनाते हो तो लास्ट वैल्यू एक वेरिएबल स्टोर करते हैं, तो प्रीवियस वैल्यू है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने बोला एरे है. ठीक है, तो मतलब यही कि इसमें एक वेरिएबल लिया मैंने और आर निकाला, तो जब आप डिस्प्ले कर रहे थे एक्स को तो केवल लास्ट वैल्यू दिखा रहा था, आर तो टोटल आ रहा था. तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी प्रोग्राम को मैं एरे के थ्रू बनाऊँ, तो चलिए अब देखते हैं एरे के थ्रू एडिशन. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग व्हाट एरे. तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, हेडर फाइल ले ली, ओके, एंड अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ. हेडर फाइल लेने के बाद में मैंने बोला void main ले लूँ, ओके, ओपन दिस कर ली. नाउ
मैंने यहाँ पे एक एरे लिया इंट एक्स 10, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने 10 दे दी, और आर ले लिया जिसको इनिशलाइज कर दिया जीरो से ताकि इसका जंक वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाए। अब मैंने बोला इस तरह से इसमें 10 डिफरेंट पोजीशंस बन जाएंगी, x0, x1, x2 अप टू x9, जैसा प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो अब मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैंने मैसेज फ्लैश किया एंटर 10 नंबर्स, सो दिस इज़ व्हाट एंटर 10 नंबर्स। अब इसको स्टोर करने के लिए मैंने लूप रन किया, स्टार्ट किया मैंने काउंटर 0 से, लेस देन हाउ मच 10 एंड देन i++, नाउ गो टू नेक्स्ट लाइन एंड ओपन दिस करली ब्रैकेट। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया scanf % d, और मैंने बोला स्टोर कर दो एट द एड्रेस ऑफ x, और पोजीशन को मैंने स्पेसिफाई करने के लिए i लिखा। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही x में कोई वैल्यू मैंने डाली, जो फर्स्ट एलिमेंट में गया या सेकेंड में, जो भी एलिमेंट में वैल्यू स्टोर होगा, इमीडिएटली मैं क्या करूँगा उसको r के साथ ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो भी वैल्यू आई उसको मैंने r के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और वापस उसको अपडेट कर दिया किस में, r में। तो इस तरह से ये टोटल भी निकल गया मेरा, तो ये मेरा टोटल आ गया। इस तरह से 10 टाइम्स जो भी वैल्यू आती जाएंगी इमीडिएटली वो r के साथ प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड होती जाएंगी, तो फाइनली हमारा जो ग्रैंड सम है वो हमको r में मिल जाएगा। अब बाहर आके मैंने अब क्या किया, प्रिंट एफ किया। अब देखिए मैं सारे नंबर्स को डिस्प्ले करूँगा, द नंबर्स आर, ठीक है, बैक स्लैश एंड डाल दिया फिर से। अब मैंने बोला अब नंबर डिस्प्ले करनी, तो अगेन मैं यहाँ पे लूप स्टार्ट करूँगा। आप चाहो तो अलग से काउंटर जे वे ले सकते हो, बट अभी इस प्रोग्राम के हिसाब से हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधे आई को ही फिर से ज़ीरो करके आई इज़ लेस देन 10 i++ कर देता हूँ, देन आप कंटिन्यू करो और यहाँ पर डिस्प्ले कर दो नंबर्स को। तो मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट एफ बैक स्लैश एन % डी, देन मैंने बोला यहाँ पे किसकी वैल्यू एक्स आई, देन क्लोज दिस। तो ये सारे नंबर्स अब देखिए डिस्प्ले भी करेगा, और लास्ट में आपने बाहर आके लिख दिया प्रिंट एफ बैक स्लैश एन टोटल इक्वल टू % डी, और यहाँ पे मैंने बोला आर को डिस्प्ले कर दो, सॉरी ये डिस्प्ले कर दिया, और फाइनली मैंने इस ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सो नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स कि ये हो गया एडिशन ऑफ 10 नंबर्स। तो अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोडिंग आपको नहीं करनी पड़ी, लेकिन क्या हो रहा है, देखिए हमने एक नॉर्मल वेरिएबल की जगह एक एक्स नाम का एरे डिक्लेयर किया मैक्सिमम 10 कैपेसिटी के साथ, और यहाँ पे क्या हो रहा है आर को इनिशलाइज कर दिया जीरो से, और उसके बाद में लूप के थ्रू मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे एक लूप रन किया। लूप रन करने के बाद में मैंने बोला भाई 10 नंबर्स होल्ड करना है हमको अलग अलग पोजीशंस पे, और जो भी नंबर स्टोर होगा तो उसको इमीडिएटली आर के साथ ऐड करके स्टोर कर दिया। बाहर आने के बाद में अब जब मैं आर ये सारे एरेज की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करूँगा, तो जो 10 नंबर्स हमने डाले उनका रिकॉर्ड भी है हमारे पास में, सो दैट वो सारे नंबर्स को डिस्प्ले करेगा, और उससे बाहर आने के बाद वो क्या कर रहा है, फाइनली आपको टोटल को भी शो करके दिखा रहा है। सो जो मैंने अभी प्रोग्राम आपको जब एरे के बारे में बताना शुरू किया, तो ये यहाँ पे वही बात आ गई कि वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करता है एट ए टाइम। सो अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज को होल्ड करना है, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज़ व्हाट एरे। तो दोस्तों ये तो बात की मैंने इंटीजर एरे के साथ कैसे वर्कआउट करना है, एज वेल एज बताया कि एरे क्या है, एरे को क्यों यूज़ करते हैं, और एरे का जो एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया कैसे वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्या एरे इंडेक्स होता है, एरे बाउंड क्या है, एरे एलिमेंट्स क्या होते हैं, Why they are like variables? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक, और नेक्स्ट अब इसके बाद में मैं एरे के बारे में बताऊँगा, कैरेक्टर एरे के साथ हम काम करेंगे। दैट मीन्स कैरेक्टर एरे का मतलब होता है स्ट्रिंग्स, मीन्स नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वर्किंग विथ स्ट्रिंग्स। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का, तो प्लीज़ कमेंट करें, सो दैट उसको हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। एज वेल एज आप चाहें तो इसे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम भी हमें भी इनकरेजमेंट हो, और साथ ही साथ हम भी और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।